देखो जो विष्णु भगवान जी के आशीर्वाद से जो हमारे पिताजी ने एक साल पहले जिनकी मृत्यु हुई उन्होंने ये काम शुरू किया हुआ था। लास्ट उन्होंने जलेरी पे सोना चढ़ाया जब शिव शंकर भगवान जी के चरणों में, उसके बाद वो कुछ काम अधूरा छोड़ गए थे। तो वो हमारी हैसियत नहीं थी, हमें दिल में कुछ ऐसा था कि हम ये काम कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं लोगों का इतना सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। लेकिन वही बात है, पिताजी की ऐसी करनियाँ हैं, इतनी अच्छे काम उन्होंने ज़िंदगी में किए और कुछ ईश्वर का ऐसा लगता है कि आशीर्वाद हमारे ही सिर पे है। तो तभी करके ये देखिए आप, ये इतना बड़ा मंदिर जो विराट रूप जो विष्णु भगवान जी का बना, उनकी डेथ के बाद नागों का स्थान बना और जो पीछे पार्क बना, समझ लो आप ये उनकी डेथ के बाद एक साल के अंदर हमारा मिशन था कि हमने सोचा था कि हमारा मिशन ये है कि हम एक साल के अंदर उनकी बारखी के दौरान ये काम हमने कंप्लीट करना है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो हमारा वही मेन मोटो था और लोगों का इतना सहयोग मिला, हर पुंछवासी का, जैसे पिताजी को सहयोग करता था गरीब आदमी अमीर इंसान, तो उसी तरह पापा के सारे साथियों ने, उनके सारे पुंछ के लोगों ने, जिससे हमने कुछ मांगा कम से कम 48 से 52 लाख रुपया यहाँ पर खर्च हुआ। और लोगों की कृपा से, हमारी तो हैसियत नहीं हम इतना काम कर पाएँ, लेकिन लोगों का इतना सपोर्ट इतना प्यार मिला, मैं दिल की गहराइयों से पुंछ के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप सबके घर में हमेशा खुशियाँ आएँ और आप सब हमेशा खुश रहो। शर्मा साहब को एक साल हो गए हैं दुनिया को छोड़े हुए, उनकी याद में आज स्टैचू को जो है ओपन किया गया यहाँ पर। और शर्मा साहब के साथ लोगों का इतना प्यार था कि यहाँ पर रात में लोग आए, और मैं लोगों से ये अपील करता हूँ जो शर्मा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें और उनके ईमानदारी और श्रद्धा से उनके साथ चलें ताकि जो है उनकी आत्मा को शांति मिले। और लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि इसके साथ ही आप मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचे। एक साल पूरा हुआ, पूरा होने पर हमने ये विचार किया था एक साल पूरा होगा, उसी के निष्पक्ष यहाँ पर लोगों को बुलवाया गया था और बड़ी मकदार में लोग आए जाने लगे। और लोगों का जो सहयोग है, लोगों का प्यार, आज पता लगता है कि शर्मा साहब का प्यार लोगों में कितना है। और लोगों को हम ये आश्वासन देते हैं, लोगों को ये भरोसा देते हैं कि जैसे शर्मा साहब लोगों के साथ काम करते थे वैसे भी हम काम करेंगे, आगे पूरा सहयोग देंगे। और हम परमात्मा से, आप सब परमात्मा से ये दुआ करना चाहिए कि उन्हें भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिले। और बस